हेलो दोस्तों, मैं नोमैडिक ड्रीम चैंटर और आज हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी फर्स्ट बुक जिसका कि नाम है जवाब देना होगा KDP स्टोर में अवेलेबल हुई है, पब्लिश हो चुकी है। और ये बुक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एक बुक है जिसमें पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, जिसका Volume 1 का नाम भी है क्वेश्चंस ऑफ द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें ट्राई ये किया गया है कि आज 21वीं सदी के इस मुहाम पे, जबकि एक ऐसी सोसाइटी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आ गई है कि जो सिर्फ टेक्नोलॉजिकली लेडन है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसमें कि हमारी जो दूर तक सोचने और जवाब सवाल करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। उस टाइम पे हमें एक ऐसा मॉड्यूल, ऐसा प्रोफॉर्मा हमने देने की कोशिश की है कि हम सवाल पूछ सकते हैं कई लोगों से कई तरीकों के। और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये सिर्फ सवाल जो है हमें सिर्फ क्या कहते हैं सरकार से नहीं पूछने, ये सवाल हमें कभी अपने आप से पूछने हैं, कभी समाज से पूछने हैं और कभी उन परिस्थितियों से पूछने हैं जिन परिस्थितियों ने हमें ऐसे दुर्दशा या फिर ऐसी कंडीशंस में डाल दिया है कि आज हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। और सिर्फ ये बात सवाल पूछने तक की नहीं है, हमें जाके उनके जवाब ढूंढने होंगे, कभी खुद से ढूंढने होंगे, कभी दूसरों से मांगने होंगे, कभी धमकियां देनी पड़ेंगी और कभी कहना पड़ेगा कि अगर नहीं दोगे तो क्या होगा। तो ये सवाल इस पोएटिक कलेक्शन में ऐसे कई जरियों से पूछे गए हैं, जैसे कि पहली पोएट्री में जवाब देना होगा हमें, ये सवाल एक महिला ने पूछे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जो उसने पूरे लाइफ साइकिल अप्रोच यहाँ पे अपनाई गई है कि उस लाइफ साइकिल में जो भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो उन दिक्कतों के लिए वो किसको कसूरवार ठहराए, जैसे कि वुमेन फ्यूटिसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो न्यूट्रिशनल डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के खिलाफ होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो चाइल्ड मैरिज होती है, जो विडो सेपरेशन होता है, शायद कहीं ना कहीं हमारे पास सती की प्रथा भी रही है, और फिर उसके बाद जो आज हाईली ऑब्जेक्टिफाइड किया गया है वुमेन को, आज काफ़ी एकदम कॉमर्सलाइज कर दिया गया उसकी ब्यूटिफिकेशन को, या फिर जो एसिड अटैक की बात होती है, या फिर जो प्राइवेट पेट्रियार्की थी आज उसका रूप चेंज करके पब्लिक पेट्रियार्कल हो गया है, या फिर बात हम करें कि हेजिमोनिस्टिक पेट्रियार्की जिसमें कि औरतें और इंसान दोनों मिल के एक औरत का उत्पीड़न करते हैं, या पेट्रियार्कल निगोसिएशन हम कह सकते हैं जो होता है एक परिवार और एक लड़की जो काम करने बाहर जाती है उसके दरमियान, जब उस पर करियर पे उसके ड्यूअल बर्डन आ जाता है कि हाँ वो बाहर का खाना, बाहर काम भी करेगी और घर में आके खाना भी और सास ससुरों की सेवा भी करेगी, या फिर और तरीके की जो दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती हैं दफ्तरों में और बाकी चीज़ें, और इन सब के बीच दरमियान कोई उसका दर्द समझ नहीं पाता है। शायद सिर्फ हम लोग एज अ ह्यूमन बींग सिर्फ शायद अपने दर्द को, अपने दलित होने के दर्द को, अपने आदिवासी होने के दर्द को, काले गोरे होने के दर्द को और शायद गरीब होने के दर्द को हमेशा कहते रहते हैं, बट उसके दर्द को समझ पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा होता है। तो इस पोएट्री में उसी दर्द को समझाने की कोशिश हुई है। ये थोड़ा सा शायद रेडिकल फेमिनिस्ट लगे कुछ लोगों को, बट बात यहाँ पे उसकी नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है, बात यह है कि ये भी एक आयाम है इन चीज़ों का जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके के काफ़ी बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं और शायद वो औरत इस पोएट्री में कह भी रही है, इस कलेक्शन में कह भी रही है कि अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो आने वाली नस्लें तुमसे सवाल करेंगी और ऐसे सवाल करेंगी, तुम्हारे उम्मीदों पे थूक के ऐसे सवाल करेंगी कि शायद तुम्हारी रूह को भी आकर कटघरे में खड़ा होकर जवाब देना होगा। हाँ, इन सब का जवाब देना होगा। थैंक यू वेरी मच। और ये कलेक्शन हम लोगों ने मैंने और मेरे फ्रेंड धीरज कुमार ने लिखा है और इसकी पहली ही पंक्ति है, कुछ दबे हुए जज्बात लगाए बैठा हूँ, छुपाए बैठा हूँ, खोए हुए कुछ अल्फाज सजाए बैठा हूँ, भड़क जाओगे बेशक तुम सुनकर, लेकिन जवाब दोगे ये आस लगाए बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। और
आई होप कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे और हम लोग कुछ ऐसी बढ़िया चीज़ें अपनी ले के सामने आ सके। शायद आज तक जिन चीज़ों के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि हाँ एक पोइट्री की भी बुक हो सकती है या फिर किसी चीज़ की भी बुक हो सकती है, और ये बुक हम लोगों ने 10 दिन में लिखी है। 10 दिन का पूरा पोइट्री का फ्रेमवर्क और सब कुछ तैयार करके 10 दिन में हमने ये पब्लिश किया है। तो आज एक जो बचपन का एक चाइल्डहुड ड्रीम था वो हमारे लोगों का पूरा हुआ है, तो इसलिए हम आपको बड़ा ही थैंक यू कहना चाहते हैं, काफ़ी आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपके मोटिवेशंस और प्रयासों का। थैंक यू वेरी मच। और नोमैडिक ड्रीम सेंटर, हाउस ऑफ नोमैडिक ड्रीम सेंटर, ऑलवेज वेलकम यू, ऑलवेज इज वेरी चीयरफुल टू हैव यू फ्रेंड्स विद अस। थैंक यू वेरी मच।